नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी पर हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने संपादक पत्रकार श्रवण गर्ग अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, जिससे न सत्ता पक्ष बच पाता है और ना ही विपक्ष, दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज फिर हम उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत का संदर्भ यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया है और उसमें बड़ी ही दिलचस्प बातें कही, जो प्रधानमंत्री लगातार इस बात के लिए जिनके ऊपर आरोप लगता है कि वो हर चुनाव को हिंदू मुसलमान के खांचे में डालने की कोशिश करते हैं और जो अपनी खुद की छवि हिंदुत्व की बनाने से कभी गुरेज नहीं करते हैं, अब वही प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि वो उन्होंने कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है और अगर वो हिंदू मुसलमान की बात करेंगे तो सार्वजनिक जीवन के वो योग्य नहीं रहेंगे। अब ये एक ऐसा प्रश्न उन्होंने खड़ा कर दिया लोगों के सामने कि जिसका जवाब कम से कम मेरे पास तो नहीं है। तो इस सवाल का जवाब हम खोजेंगे श्रवण गर्ग जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम में। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते हैं, इसको किस संदर्भ में देखा जाए, जबकि पूरा चुनाव पहले चरण से लेकर चौथे चरण तक सारी बातें हिंदू मुसलमान के संदर्भ में की गई हैं और खुद उनकी और उनकी पार्टी ने की और खुद उन्होंने शुरुआत की इसकी। आशुतोष जी, ये इंटरव्यू जो प्रधानमंत्री जी ने दिया वो 22 मिनट का है जी, और हमको अपनी बातचीत 15 मिनट में समाप्त करनी है, मतलब 7 मिनट कम आप मुझे देने वाले हैं जी। जी, तो वो जो प्रधानमंत्री ने 22 मिनट बात की वो अद्भुत है और बहुत ही, मैं मानता हूं कि देश के हर एक नागरिक को उसको सुनना और देखना चाहिए जी, उसकी सेटिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए, वो जो एंकर है उसके ऊपर भी ध्यान जाना चाहिए, एंकर के नाम पर भी ध्यान देना चाहिए, लोकेशन पर भी ध्यान जाना चाहिए, दिन पर भी ध्यान जाना चाहिए कौन सा दिन है। तो देखिए साहब, 14 मई का दिन है और काशी है, स्थान है, गंगा का किनारा है और एक क्रूज है जिस पर प्रधानमंत्री हैं और एक महिला एंकर है जो अपने व्यक्तित्व को लेकर कई बार चर्चा में रहती है और प्रधानमंत्री ऐसे मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो उन्होंने 10 साल नहीं की और 4 चरण चुनाव के हो गए और नहीं की और अब 3 चरण बचे हैं, मतलब कुछ सीटें बची ही नहीं है जिसको कहना चाहिए, लगभग समाप्त जैसा चुनाव हो गया, तब वो ऐसे मुद्दों पर बोल रहे हैं जिसके बारे में देश जानना चाहता है और आप उस प्रधानमंत्री को देख सकते हैं कि कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है उनके सामने और वो अपने असली अवतार में है, मतलब जैसे प्रधानमंत्री दिखते होंगे अपने घर में वैसे दिख रहे हैं वो और बार बार उनको पसीना आ रहा है, मतलब पोंछ रहे हैं पसीना, पर सवाल पूछने वाले ने एक बार भी पसीना नहीं पहुंचा, मतलब अगर गंगा के किनारे हवा नहीं चल रही है, ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है और प्रधानमंत्री पसीना पोंछ रहे हैं और वो जो पूछने वाला जो व्यक्ति है या महिला है, हम ये मानने को तैयार नहीं है कि वो जो महिला एंकर है वो मेकअप खराब नहीं हो जाए इस कारण से पसीना नहीं पहुंच रही है, पर प्रधानमंत्री बार बार पसीना पहुंच रहा है, मतलब वो जो एक चीज नहीं दिखी कि वो पानी नहीं पी रहे थे उस समय और एक थके हुए प्रधानमंत्री, पूरी तरह ड्रेन्ड
जो मंच पर नजर नहीं आते हैं जिस तरह के, वो दिख रहे थे कि वो जैसे मंच पर सजे धजे नजर आते हैं वैसे नहीं थे बिल्कुल। वो जैसे जैसा वो उन्होंने कहा भी कि जैसे जब उनसे पूछा कि आप में असीमित ऊर्जा कहाँ से आती है, तो वो बिल्कुल ड्रेन्ड और थके हुए नजर आ रहे थे जी। अपने आप को बता रहे थे कि ईश्वर के प्रतिनिधि हैं वो, ईश्वर ने उनको भेजा है, और इतनी ऊर्जा इसीलिए है कि वो ईश्वर ने उनको गढ़ा है, एक विशेष काम के लिए गढ़ा है जी। तो प्रधानमंत्री को अगर देखना हो कि भाई हमारा प्रधानमंत्री का यह स्वरूप भी एक है जो प्रकट हुआ इतने दिनों बाद, 10 साल बाद, वो क्या कहना चाहते हैं। और जो सवाल पूछे गए वो पूछवाए गए कि उन्होंने मतलब वो उसकी एंकर की या इंटरव्यू लेने वाले की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने पूछ लिया। मतलब आमतौर से इस तरह के इंटरव्यूज में जैसे हमने देखा ना, हिंदी अखबारों ने बड़े बड़े दो दो पन्ने के इंटरव्यू छापे हैं। अब वो कब तो लिए होंगे और कब दिए होंगे, और इतनी फुर्सत प्रधानमंत्री को हिंदी के इन संपादकों के लिए कम मिल गई कि एक जैसी भाषा में अखबारों में दो दो पन्ने के इंटरव्यू छप गए। पर ये जो इंटरव्यू है हकीकत का इंटरव्यू है, जिसको हम कह सकते हैं कि वो हिंदी के महान संपादक बड़े अखबारों के जो हैं उनसे अलग है ये। इसका जो मूल मुद्दा है वो उसमें जो अगर घुसे हैं तो बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, और वो ये लगता है कि प्रधानमंत्री ने जिन चीजों को अपने पिछले 10 साल की सत्ता की बुनियाद बनाया, जिस पर वो 10 सालों से कायम है, प्रधानमंत्री उसको एक झटके में ध्वस्त कर रहे हैं। मतलब उनकी जो पूरी जो गुजरात से लगा के दिल्ली तक की सत्ता का जो आधार है वो केवल एक है, हिंदू और मुस्लिम जी, जिसको उन्होंने हथियार बनाकर पोलराइजेशन किया, हिंदुओं को जिनको कहना चाहिए ना सज्जित किया, जिनके राज्य में धर्म संसदें हुई जहां हथियार उठाने की बात हुई, वो प्रधानमंत्री क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में नहीं रहूंगा। आप उनके एक एक सेंटेंस को सुनिए वो क्या कह रहे हैं। अब उनसे कौन, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी बात हुई है कि प्रधानमंत्री अचानक से घबरा गए, या तो वो कुछ सफाई दे रहे हैं या अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब मतदान का तो कभी मतलब रहा ही नहीं है ना, हिंदू मुस्लिम की कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वो 4 चरणों में पूरी हो गई, तो अब उनको अगर लगा होगा कि भाई अब हिंदू मुस्लिम की जरूरत नहीं बची तो अब इस मामले पर बोलना चाहिए। जब उनसे उनका ध्यान दिलाया गया कि आपने अपने भाषण में ज्यादा बच्चों की और घुसपैठियों की तरह वो वाली बात कही, जिसमें ये कहा कि ये पैसा लेके आपका धन छीन के उन लोगों में बांट देंगे, घुसपैठियों में और ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों में,
तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई मैंने हिंदू मुस्लिम मुसलमान के बारे में नहीं कहा, हमारे तो गरीब परिवारों में भी यही हाल है, उनके ज्यादा बच्चे होते हैं। मैंने ना हिंदू वहां कहा ना मुसलमान कहा वहां। आप सोचिए जी, और गोधरा के बाद के बारे में, पोस्ट गोधरा जो सफाई देते हैं वो कहते हैं कि मुसलमान सबसे ज्यादा खुश था उनके गोधरा के बाद जो उन्होंने काम किया वहां। उन्होंने सर्वे करवाया 2002 के बाद दिवाली की खरीदारी का अहमदाबाद के माणिक चौक में, जहां व्यापारी मुसलमान खरीददार हिंदू, तो वो तो भयानक तरीके से मुसलमान खुश। वो प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि उनके बचपन में घर में ईद के दिन खाना नहीं बनता था, क्योंकि आसपास के जो मुस्लिम परिवार थे उनके यहाँ से खाना आता था। और ताजिए जब निकलते थे मुहर्रम पर, तो उनके यहाँ ताजिए के नीचे से निकलने का रिवाज था। उन्होंने केवल एक ही बात नहीं कही जो उन्होंने अपने ब्लॉग में कही थी, और इस पर मैंने एक बड़ा आर्टिकल लिखा था कि बचपन में उनके घर में उनके पुराने उनके पिताजी के मित्र का बेटा अब्बास आकर रहा था, जो अब सिडनी में रहते हैं, अब्बास भाई। और वो अब्बास भाई से जब बाद में बात की पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा वो तो मैं आया रहने, तब तक तो नरेंद्र भाई घर छोड़ चुके थे। आप सोचिए कि वो उनसे सवाल पूछा जाता है कि अगर आप तीसरी बार पीएम बन जाते हैं, तो वो कह रहे आप अगर कह रही हैं, अगर का क्या मतलब होता है? मुझे, मैं जानता हूं देश का अनुभव है, देश के मिजाज का मुझे अनुभव है। फिर पूछते हैं नर्वसनेस नहीं है आप में जरा भी? आपको लोग तानाशाह कहते हैं। जिन तमाम सवालों पर प्रधानमंत्री को लेकर पिछले 10 सालों से चर्चा में है प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री 22 मिनट में पसीना पहुंचते हुए और क्रूज के डेक पर एक कोने से दूसरे कोने पर जाते हुए उन सवालों के जवाब देते हैं जी। और वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं विपक्ष मजबूत बने, और पिछले 10 साल में विपक्ष के रूप में लोग फेल हो गए। और वो कहते हैं शरद पवार जी का स्वागत करता हूं मैं, उन्होंने स्वागत, उन्होंने कहा कि छोटी पार्टियों को कांग्रेस में मर्ज होना चाहिए। तो बोले मैं ये नहीं कहता किसमें मर्ज होना चाहिए, पर वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि विपक्ष के रूप में मान्यता के लिए जरूरी है कि एक पार्टी की ताकत इतनी हो जाए कि उसको मान्यता मिल जाए। अद्भुत इंटरव्यू है। इसमें प्रधानमंत्री एक डिनायल मोड में है, अपने आप को डिफाई कर रहा है और अपनी पार्टी को मतलब इस तरह कटघरे में खड़ा कर रहा है कि वो क्या जवाब देगी पार्टी, जो पार्टी का वो जो हिंदूवादी तबका है जो बांसवाड़ा में उनके भाषण के बाद उसको जगह जगह रिपीट करता रहा, देश के 20-22 करोड़ मुसलमानों को निशाने पर हर जगह लिया जा रहा है, उनके बारे में कहे जा रहे हैं कि मुसलमान तो बहुत ज्यादा खुश हैं उनके कोविड में। आप गंगा किनारे क्रूज पर खड़े होकर कोविड में जो आपने काम किया उसके बारे में कह रहे हैं। ये जो हमको इसमें से क्या निकालना चाहिए, क्या ड्रॉ करना चाहिए, ये जो प्रधानमंत्री का ये जो स्वरूप है जो मंच से अलग नजर आता है, तेलंगाना में सभा हो, रुद्रपुर में सभा हो, मेरठ में सभा हो, अलीगढ़ में जो सभा हो, मुरादाबाद में जो सभा हो,
जहां उनका केवल एक स्वरूप नजर आता है कि वो मुसलमानों के पर आक्रमण करते नजर आते हैं, अल्पसंख्यकों के ऊपर आक्रमण करते नजर आते हैं, वो आदमी कह रहा है कि मैं जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा मुझे सार्वजनिक जीवन में नहीं रहूंगा। तो क्या देश की जनता को आप अपने प्रधानमंत्री जी से क्या सवाल करने चाहिए? और इस देश के मुसलमानों को कि किस तरह से कंफर्ट लेवल उनका होना चाहिए, कितना आशान्वित होना चाहिए, कितना आश्वस्त होना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री का वो अंगुली माल की तरह हृदय परिवर्तन हो गया है कि भगवान बुद्ध की शरण में पहुंच गए? कलिंग युद्ध के बाद कोई अशोका भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंच गया? जो 10 साल से प्रधानमंत्री युद्ध कर रहे थे वो अचानक से कोई बुद्ध प्राप्त हो गया है क्या उनको कि वो एक पश्चाताप की मुद्रा में है? तो मैं थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि ये एक ऐसी बातचीत है जो लोगों तक जानकारी के रूप में पहुंचना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्रियों के या देश को शासन चलाने वालों के चेहरे कितने हैं। और वो जब राहुल गांधी आरोप लगाते हैं ना कि प्रधानमंत्री तो मुखौटा है, तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का असली चेहरा कौन सा है? वो जब मंच पे बोलते हैं बांसवाड़ा में घुसपैठिया और ज्यादा बच्चे वालों की बात करते हैं, वो चेहरा ठीक है कि वो काशी में गंगा के किनारे क्रूज पर खड़े हुए पसीने पोंछते हुए वो एक जो बात करते हैं वो प्रधानमंत्री हैं? कौन सा प्रधानमंत्री है? और एक इमोशनल हो जाते हैं बात करते करते हुए, बिल्कुल जैसे वो जिस स्वरूप में उनको आपने कभी देखा ही नहीं हो, मतलब वो क्या कोई चमत्कार हो रहा है गंगा किनारे या काशी में कि हम जिस प्रधानमंत्री को देख नहीं पाए अभी तक, पिछले 10 सालों में नहीं देख पाए, क्या उस प्रधानमंत्री का दर्शन कर रहे हैं? तो ये मुझे लगा कि ये जो 22 मिनट का इंटरव्यू है ये देश के नागरिकों को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि हो सकता है 4 जून के बाद प्रधानमंत्री का कोई और इंटरव्यू उनको सुनने का मौका मिले और उसमें हो सकता है कि वो जो काशी के किनारे 14 मई को क्रूज पर दिया हुआ बातें हैं, क्योंकि वो जो इंटरव्यू जिसने लिया उसने ये भी कहा कि आपसे 4 जून को फिर मिलते हैं 4 जून के बाद। तो हमको इस इंटरव्यू को सुनना भी चाहिए, देखना भी चाहिए और 4 जून के बाद प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं उसकी भी प्रतीक्षा करना चाहिए। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू।